वेलकम टू सोमो यूटीवी। सोमो यूटीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे स्टेशन पे स्टेशन के नेम के बाद सेंट्रल, टर्मिनल, जंक्शन, हॉल्ट एक्सेट्रा, ये क्या होता है एक्चुअली, यही मैं बात करूंगा इस वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जंक्शन के बारे में। जंक्शन स्टेशन क्या होता है? जंक्शन स्टेशन ऐसा स्टेशन होता है जिस स्टेशन में दो से अधिक लाइन जुड़ती है, वो स्टेशन जंक्शन कहलाता है। सेकंड नंबर पे आता है टर्मिनल। टर्मिनल स्टेशन कौन सा स्टेशन होता है? टर्मिनल स्टेशन ऐसा स्टेशन होता है जिसका स्टेशन का एक एंड होता है, मतलब एक तरफ से ट्रेन आता है उसी तरफ से ट्रेन रिटर्न जाती है, सीधा ट्रेन नहीं जा सकती। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल। सेंट्रल स्टेशन कौन सा टाइप का स्टेशन होता है? सेंट्रल स्टेशन ऐसा टाइप का स्टेशन होता है जो शहर के बीचों बीच हो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन हो और बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होता है, उसको सेंट्रल स्टेशन कहलाता है। चार नंबर पे आता है रोड। रोड कौन सा स्टेशन होता है जो शहर के आसपास नहीं होता पर एक रोड के पास होता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टेशन होता है, उसको रोड स्टेशन कहलाता है। अभी नंबर फाइव में आता है हॉल्ट। हॉल्ट कौन सा टाइप का स्टेशन होता है? हॉल्ट एक बहुत ही ज्यादा छोटा स्टेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा तीन प्लेटफॉर्म होता है ज्यादातर, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, वो भी सिलेक्टेड, सब नहीं रुकती। और लास्ट, किसी भी स्टेशन के बाद घाट लिखा होगा तो उसका मीनिंग होगा उस स्टेशन के आसपास कोई पॉपुलर घाट, मतलब कोई रिवर के पास जो घाट होता है वो है, इसलिए उसको घाट बोलता है।